सुल्तानपुर के बल्दीराय तहसील में आयोजित जनसंवाद संध्या कार्यक्रम में बोले जिला अधिकारी रवीश गुप्ता, आम जनमानस व अधिकारियों के समन्वय का केंद्र है जनसंवाद संध्या। उपजिलाधिकारी वंदना पांडे को प्रशस्ति पत्र देकर जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। सुल्तानपुर में कादीपुर विधायक राजेश गौतम के द्वारा टैबलेट वितरित किया गया। स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप सिंह स्मारक जनता पीजी कॉलेज कुंदा भैरवपुर नेमपुर कादीपुर में टैबलेट व मोबाइल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक राजेश गौतम बोले, टैबलेट व स्मार्टफोन के अनुप्रयोग से युवा पीढ़ी में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता और होगा स्वावलंबन का विकास। लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा ने लंबुआ विकास खंड के मुरली ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का किया उद्घाटन। लगभग 38 लाख की लागत से बन रहा अमृत सरोवर उद्घाटन कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर में लेखपाल पर जानलेवा हमला करने, महिला की अस्मत लूटने के प्रयास में पीड़िता की हुई मौत और जातिगत संघर्ष में गोली कांड का वांछित 15,000 का इनामी बदमाश अभिषेक सिंह उर्फ एसपी सिंह निवासी बहोरपुर थाना दोस्तपुर हुआ गिरफ्तार। साथ ही शेर अली भी असलहे के साथ गिरफ्तार। थाना अध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह बोले, शातिर बदमाश को हिरासत में लेकर की जा रही है जेल भेजने की कार्रवाई। सुल्तानपुर के कटका खानपुर बाजार में तेज हवा के चलते पेड़ की डाल टूटकर गिरी सड़क पर, आवागमन बाधित, घंटों वाहनों की लगी लंबी कतार। जाम खुलवाने में जुटे चौकी प्रभारी बबलू जायसवाल के साथ पुलिस बल। सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा से विधायक व पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर खान ने सदन में उठाया जातिगत आंकड़ों के आधार पर आरक्षण देने का मुद्दा। पोस्टर के साथ खड़े होकर किया जातिगत आधार पर जनगणना कराने का आह्वान। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित टेम्पो पलटा, जिस पर बैठी दो सवारियां हुई गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों की मदद से पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो, जहां पर चल रहा है इलाज। जामो थाना क्षेत्र के स्वामी परमहंस कुटिया के पास की घटना। अमेठी में अवैध अतिक्रमण पर गरजा योगी का बुलडोजर। खलिहान की जमीन पर दबंगों ने किया था अवैध रूप से कब्जा। तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटवाया। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव का मामला। अमेठी में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे विद्युत पोल से टकराई। विद्युत पोल हुआ क्षतिग्रस्त। पिकअप पर सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने पिकअप को करवाया बाहर। पिकअप ड्राइवर सभी यात्रियों को बैठा कर हुआ रफू चक्कर। पुलिस की लापरवाही के चलते यातायात नियमों को ताक पर रख कर फर्राटा भर रहे हैं वाहन। गौरीगंज मुख्यालय कस्बे के सैठा रोड का मामला। अमेठी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष के साथ संग्रामपुर एसएचओ ने किया भद्रता। पुलिस पे लगाए बहुत ही गंभीर आरोप। कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। अमेठी एआरटीओ प्रशासन, एआरटीओ प्रवर्तन व क्षेत्राधिकारी मुसाफिर खाना अर्पित कपूर द्वारा पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र जगदीशपुर में बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल मार्च करते हुए परिवहन व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाकर कस्बा जगदीशपुर में अवैध रूप से चल रही गाड़ियों की चेकिंग की गई और कुल 9 अवैध चल रहे टेम्पो ई रिक्शा को सीज किया गया। थाना मोहनगंज में भी पुलिस ने किया पैदल गश्त। अमेठी के मुसाफिर खाना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजू ओझा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शटल एक्सप्रेस को मुसाफिर खाना स्टेशन पर ठहराव को लेकर उपजिलाधिकारी सविता यादव को एक सूत्री ज्ञापन सौंपा और ठहराव की मांग की। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद वरुड़ा को बंद करके उसके स्थान पर वरुड़ा का बदल कर शटल एक्सप्रेस चलाया गया, जिसका स्टॉपेज मुसाफिरखाना रेलवे स्टेशन पर ना होने के कारण यात्रियों को लखनऊ वाराणसी आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जायस के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक पहुंची सीएमओ सीमा मेहरा, मरीजों को देखा और लिखी दवाइयां। उन्होंने बताया कि जल्द ही कोई डॉक्टर की तैनाती होगी। जायस के सभासदों ने भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर सीएमओ से जायस की समस्या बताई। सीएमओ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही डॉक्टर की तैनाती होगी। अमेठी में ग्रामीणों ने लगाई मोदी योगी से गौवंशों से छुटकारा की गुहार। संग्रामपुर के सहजीपुर के एक ही गांव में 100 के ऊपर है छुट्टा गौवंश। शिकायत करने पर ग्राम सचिव जेल भिजवाने की देते हैं धमकी। 2 साल से रात भर जाग रहे किसान।
अमेठी बाजार शुकुल में बड़े ही शानो शौकत के साथ गांव निवाज मदारगढ़ में इत्तेहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस मनाया गया। निवाज मदारगढ़ की सरजमी पर हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियों ने रखा कदम। हजरत अमीन उल कादरी साहब ने आपसी भाईचारा कायम करने तथा मजहब इस्लाम के तरीकों पर अमल करते हुए अपने रब की इबादत करने की नसीहत दी। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे